टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर एक टीम में एक साथ खेलते नजर आ सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगले साल मार्च में एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच दो इंटरनेशनल T20 मैच कराने का मन बना चुका है। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि वह बांग्लादेश के संस्थापक शेख मजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच दो T20 मैच करवाएगा। इन दो मैचों के लिए दोनों टीमों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शामिल करने का वादा किया गया है, जो कि विश्व क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इन मैचों में भारत के विराट कोहली, रोहित शर्मा, पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, बांग्लादेश के साकिबुल हसन और इनके अलावा तमाम एशियाई T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर एक टीम में एक साथ खेलते नजर आ सकते हैं। इस मामले में BCB के अध्यक्ष नजमुल हसन ने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि दोनों टीमों में वर्तमान समय के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लें। ICC ने भी इन मैचों को अंतर्राष्ट्रीय मैचों का दर्जा प्रदान करने की रजामंदी दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के दौरान एशिया 11 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रमुख खिलाड़ी नजर आएंगे और वहीं वर्ल्ड 11 में वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एशिया 11 में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे और वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड 11 में कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह बना सकेंगे।